हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर चैनल पर यूपी पुलिस के लिए जीएस की टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर वन, देखिए, कतर देश की राजधानी दोहा है, इस देश की मुद्रा क्या होगी? तो देखिए, इस देश की मुद्रा क्या होगी? रियाल होगी। देखिए, पहले ये जानिए कि कतर देश की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर देश की राजधानी दोहा है और इस देश की मुद्रा क्या होगी? रियाल होगी। पॉइंट नंबर टू देखते हैं। टू में दिया है रबात राजधानी है मोरक्को की, यहाँ की मुद्रा क्या होगी? तो देखिए, यहाँ की मुद्रा होगी दिरहम। देखिए, रबात कहाँ की राजधानी है? मोरक्को की। मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ की मुद्रा क्या होगी? दिरहम होगी। पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं। बहत किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, बहत किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की है। अब थाईलैंड की राजधानी क्या होगी? बैंकॉक होगी। पॉइंट नंबर चार देखते हैं। चार में दिया है मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। पॉइंट नंबर पांच देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक थी। पॉइंट नंबर छः देखिए। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम है? जाकिर हुसैन। देखिए, जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक इन्होंने कार्य किया है राष्ट्रपति के रूप में, और ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। पॉइंट नंबर सात देखिए। कौन सी झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और बैकाल झील है कहाँ? तो ये रसिया में स्थित है। पॉइंट नंबर आठ देखिए। आठ में दिया है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। देखिए, ये इसमें झील पूछ रहा है और दिया है कैस्पियन सागर। अब इसे कैस्पियन सागर क्यों कहते हैं? देखिए, कैस्पियन सागर एक झील है जिसे अपने बृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है, और ये कैस्पियन सागर पांच देशों से घिरा हुआ है, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। कितने देशों से? पांच देशों से। वो पांच देश कौन से हैं? रूस है, ईरान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। पॉइंट नंबर नौ देखिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? जम्बेजी नदी से। किस नदी से? जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया है किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। पॉइंट नंबर 11 देखिए। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो देखिए, ये जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और जोड़ती किसे है? देखिए, पूर्व में भूमध्य सागर को और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए, अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से और जोड़ती किसे है? पूर्व में भूमध्य सागर को, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। पॉइंट नंबर 12 देखिए। पाक जल डमरू मध्य जिनके मध्य स्थित है वह देश है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य स्थित है। पॉइंट नंबर 13 देखिए। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। किसे अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। पॉइंट नंबर 14 देखिए। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? देखिए, स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है।
पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं लाल सागर को भूमध्य सागर से। देखिए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। पॉइंट नंबर 16 देखिए, 16 में दिया है ओजोन परत स्थित है तो किस मंडल पे स्थित है, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। पॉइंट नंबर 17 देखिए, डायनमो का कार्य है तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पॉइंट नंबर 18 देखिए, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। पॉइंट नंबर 19 देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, तो देखिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, नारंगी, और नाम क्या है, ब्लैक बॉक्स, इसलिए आप लोग कभी इसका काला रंग मत लगा दीजिएगा, इसका रंग होता है नारंगी। देखिए ब्लैक बॉक्स आमतौर पर एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका आंतरिक तंत्र आमतौर पर उपयोगकर्ता से छिपा होता है या उसके लिए रहस्यमय होता है। ये कॉकपिट में जो पायलट की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर लेता है। पॉइंट नंबर 20 देखिए, विलहेल्म रोएंटजन ने आविष्कार किया था, तो विलहेम रोएंटजन ने आविष्कार किसका किया था, एक्सरे मशीन का किया था। पॉइंट नंबर 21 देखिए, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, रमन प्रभाव दिवस के रूप में। देखिए 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो रमन प्रभाव दिवस। पॉइंट नंबर 22 देखिए, 22 में दिया है मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो यह किसने कहा था कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कल्पना चावला ने कहा था, कल्पना चावला ने कहा था मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन है कल्पना चावला का। पॉइंट नंबर 23 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो देखिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल, क्या क्या मिलाया जाएगा, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है लोहे में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 24 देखिए, किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पॉइंट नंबर 25 देखिए, हास्य गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। पॉइंट नंबर 26 देखिए, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो देखिए पॉइंट नंबर 26 में क्या दिया है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम बायोसल्फेट। पॉइंट नंबर 27 देखिए, 27 में दिया है फोटोग्राफी की प्लेट पर जिसकी परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की। देखिए इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, पॉइंट नंबर 26 में दिया है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम बायोसल्फेट, और पॉइंट नंबर 7 में दिया है फोटोग्राफी की प्लेट पर जिसकी परत चढ़ाई जाती है उसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। पॉइंट नंबर 28 देखिए, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, तो किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। पॉइंट नंबर 29 देखिए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो देखिए शेर शाह ने, किसने शुरू किया था पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था, शेर शाह ने। पॉइंट नंबर 30 देखिए, जिस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, किस भाषा में लिखी है, फारसी में, तो वह है जहांगीर, कौन है वो, जहांगीर है। देखिए जिस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी वह है जहांगीर। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।